बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आप दोस्तों को मालूम है कि खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है हर साल में 3 से 4 या 4-5 एडवर्टाइजमेंट हर साल आती हैं। इसके लिए जो है फीस जमा जो करवाई जाती है वो इजी पैसा या जेएस कैश के थ्रू करवाई जाती है। बहुत से दोस्तों को यह मसला पेश आता है कि उन्हें जो है वो फीस जमा करवाने का तरीक़ाकार नहीं आता, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कभी वो शॉप्स वाले के पास जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका मसला हल नहीं होता। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे ख़ुद अपनी जो है फ़ीस पब्लिक सर्विस कमीशन की जो फ़ीस है वो कैसे जमा करवा सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, इसलिए आपने वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और जो दोस्त फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पाकिस्तान में आने वाली लेटेस्ट जॉब और किसी भी टेस्टिंग एजेंसी के टेस्ट की तैयारी के सिलसिले में आपको हर किस्म का मटेरियल जो है इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो फीस आपने कैसे जमा करवानी है, इसके लिए आपके पास जेएस या वारिद की सिम का होना ज़रूरी है, और आपके पास जो है आपका जेएस कैश का या इजी पैसा का अकाउंट हो तो आप ख़ुद फ़ीस जमा करवा सकते हैं। जेएस कैश का अकाउंट जो है कैसे ओपन किया जा सकता है, इसके लिए आप किसी भी दुकान पर चले जाएँ, या अगर आपके पास जेएस या वारिद की सिम है तो आपने उस सिम से *786 हैश डायल करना है। उसके बाद आपका CNIC नंबर मांगा जाएगा, फिर आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा। ये दोनों चीज़ें आपने सेट करनी है, और इसके बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा उसके बाद आपने *786 हैश डायल करना है। मेरा अकाउंट चूँकि ओपन है तो ये देखें मैंने *786 हैश डायल किया है। इसके बाद आपने इस तरह करना है कि इस ऐप से जो है आप बिल भी पे कर सकते हैं, मोबाइल लोड भी कर सकते हैं, और इसके अलावा और भी आप बहुत से काम जो है इस ऐप के ज़रिए, इस ऐप भी होती है जेएस कैश की, और सिंपल आप मोबाइल से *786 स्टाइल करके भी बहुत से काम कर सकते हैं। जो जेएस कैश के ज़रिए फ़ीस जमा करवानी है पब्लिक सर्विस कमीशन की, उसके लिए आपने *786 डायल करने के बाद 5 सेलेक्ट करना है, और आपने सेंड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने 99 नेक्स्ट पे क्लिक करना है, 99 लिख के आपने नेक्स्ट कर देना है। और इसके बाद आप ये 10 नंबर पर देखें आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है KPPSC खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके बाद आपने ये 10 लिख के सेंड करना है, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पर जो है अपना CNIC नंबर इंटर कर देना है, ठीक है। देखें यहाँ पर मैं CNIC नंबर जो है वो पुट कर रहा हूँ। आपका जो भी CNIC नंबर है आपने वो सही पुट करना है। CNIC नंबर आपने उस बंदे का पुट करना है जो अप्लाई कर रहा हो, ठीक है। इसके बाद जो है अगर आप PMS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने 2 प्रेस करना है, और अगर आप जो भर्ती होती है उसके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने 1 प्रेस करना है। 1 लिख के आपने सेंड के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद ये आपसे ₹528 जो है वो फ़ीस है पब्लिक सर्विस कमीशन की, वो अगर आप पे करना चाहते हैं तो आपने जो कोड सेलेक्ट किया है, जो आपने पासवर्ड सेट किया है, वो आपने यहाँ पर लिखना है, और इसके बाद आपने सेंड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। इस तरह आपकी जो है फ़ीस पे हो जाएगी, और आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, उस मैसेज में ट्रांजैक्शन आईडी होगी। वो आईडी जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपने वो आईडी लिख देनी है। उस आईडी को आपने बिल्कुल सही लिखना है और सही तरीके से नोट करना है, वो आपको मैसेज में आ जाएगी। इसके अलावा अगर आपको किसी भी बात की समझ नहीं है या आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।